सो यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 16 में। तो हम आज के वीडियो में ड्रैगन को मारने वाले हैं भाई। अभी तो हम उसको चप्पल से मारेंगे क्योंकि भाई अभी पता नहीं यार, वो मेरे लिए तो हार्ड है भाई ड्रैगन मारना, क्योंकि भाई उसके लिए हमको नेदर में जाके बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि आपको एंडर पल लाने पड़ते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है यार काम। मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊँगा हमने कैसे कैसे किया। तो चलो उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओके गाइस, अभी सब कुछ तो हो चुका है और इसमें देखो अभी कुछ कैरेक्टर्स जो पड़े आपको दिख रहा है, ये मैंने मतलब मैं एफ का था तो मैंने तब कुछ इनको कलेक्ट किया था। चलो अभी यहाँ से कुछ अपने 61 कैरेक्ट चाहिए मुझे। चलो इसको भी रख देते हैं यहाँ पर और इनको एक में, चलो 61 हो चुके हैं। 61 इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 गोल्डन कैरेट है, तो हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे तो 64 हो जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हमारा डे 1 हो चुका है इस वीडियो का, मतलब हमारे एक बार तो स्लिप हो चुके। और चलो अभी मैंने गोल्डन कैरेट कन्वर्ट तो कर दिया और अभी मैं आ चुका अपने एक फार्म के ऊपर जो कि अपना कोबलस्टोन मतलब सुपर स्मेल्टर है, और इसमें बहुत सारे कोबलस्टोन आ गए। ओ भाई, अभी हमको इसको पूरा चेस्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मैं इसको एक बार बाहर निकाल देता हूँ, बहुत सारे गाइस यहाँ पर। मैं एक बार ले पाऊंगा भाई 3 लाइन्स, पता नहीं यार अभी। चलो देखते हैं, अभी इनको मैं रखता हूँ कैच घर के ऊपर, मतलब घर में रखता हूँ, चेस्ट बनाई मैंने उसके लिए भी। मैं उसको घर में रख के डायरेक्टली आपको मैं मिलता हूँ। ओके गाइस, अभी मैंने सब कुछ तो ला लिया है और अभी मेरे पास कुछ पड़े थे मतलब लास्ट बचे थे तो उनको मैं ला लिया अभी। और चलो अभी भर चुके 2 चेस्ट मैंने पूरे, मतलब इनको बना दिया जिसमें कि हम रखेंगे स्टोन्स। और हमारा मेगा प्रोजेक्ट के लिए भी हमको लगने वाला है चेस्ट, अगर तो बहुत सारे हम बना लेंगे बाद में। चलो यहाँ पर बहुत सारे ये है सामान वगैरह, तो इसमें मेरे पास कुछ स्टोन पड़ा था तो ऊपर रखते थे अभी यहाँ पर। तो अभी अपना सारा काम तो हो चुका है घर का, और अभी हमको जाना है सिर्फ अभी अपने एक फार्म की ओर, जो कि अगर आपने नहीं बनाया तो भाई प्लीज़ इसको बना लेना, जो कि अपना केल फार्म है। ये आपको बेस्ट एक्सपी रहता है, मतलब नॉर्मल आपको एक्सपी देता है और केल्प भी देता है, और आप केल्प से केल्प ब्लॉक बना के कुछ स्मेल करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और देखो अब तक इसमें बहुत सारा मतलब आ चुका है केल्प वगैरह, तो और इस मतलब आपको इन्फाइनिटी आता रहता है। मैंने इसको ज़्यादा सारा भी नहीं किया तो मेरा उसने पूरी चेस्ट भी फिल कर दिया। और ऊपर आने के बाद आपको अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, अगर आपको सिर्फ केल्प चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। चलो मैं इसको ऊपर अभी अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। इसमें मैंने मतलब ये स्मेल्ट हो रहा था उस वजह से अभी वो मतलब यहाँ पर आपको ऊपर से जो खा लेते करा। चलो अभी आपको मैं नीचे जाकर दिखाता हूँ कितना स्मेल्ट हो रहा है, बहुत तो ज़्यादा स्मेल्ट हो चुका है। और अभी इस फार्म को हम बंद कर देंगे थोड़ी देर से। चलो अभी और ये मैंने मतलब नीचे बनाया था, ऊपर वाली जो चेस्ट है वो पूरी फुल भर चुकी थी उस वजह से मैंने नीचे बना दिया। पर इसमें मैंने कुछ स्मेल्ट थोड़ा थोड़ा किया था, पर ज़्यादा मतलब यहाँ पर नीचे अच्छे से वर्क नहीं करा भाई। मैं मतलब नीचे आता मतलब बिल्कुल नहीं आया था भाई, एक दो बार ही आया। उसके बाद तो भाई मैंने सारा सामान वहाँ से ले लिया था, मतलब स्मेल्ट करने के लिए जो था केल ब्लॉक वगैरह सब कुछ ले लिया मैंने। तो चलो अभी हमको जाने भी अपने नेदर में। तो चलो और एक बात गाइस, हमको एंडर पर्ल्स भी चाहिए जो कि हम ट्राई करेंगे पिकलिंग से ट्रेड करके भी ले लें, और ऐसे भी ले लें उनको मार के एंडर पर्ल्स को। चलो और एक मिनट भाई, ओ भाई ओ मैं नीचे गिरने वाला था। ओ भाई कितने सारे मॉब्स आ गए भाई यहाँ पर, और ये भी भाई यहाँ पर नीचे लामा वगैरह को मार दे। ओ मैंने गलती से पिंग मतलब ज़ॉम्बी फाइट पिकलिंग को मार दिया भाई, भागो भाई जल्दी। गास्ट भी आ गए भाई, सारे मॉब्स भाई मेरे पीछे लग गए भाई। भाई जब मुझे भाई एंडर ड्रैगन को मारना है भाई तब सारे मॉब्स मेरे पीछे लग गए अभी। भाई बचो भी जल्दी भाई, देखो कोई मतलब भाई आ रहे हो भाई, एक ही बंदा कोई आ रहा था अभी से, मतलब मैं उसको एन एम एम कर गया भाई। चलो यार यहाँ पर थोड़ा छुपते हैं भाई, अगर मैं अंदर छुप गया तो भाई वो मुझे मतलब नहीं देख पाएगा, प्रॉल को तोड़ते हैं। चलो भाई अभी भाई ऑलमोस्ट भी मैं मर गया था, पर मेरे हेल्थ तो देख लो भाई, इतनी ज़्यादा तो नहीं गई पर थोड़ी बहुत गई भाई, उससे डर गया था मैं भाई। और अभी मुझे गोल्ड भी चाहिए हम पिगलिन से ट्रेड करने के लिए। मैं ट्राई करूँगा कि पिगलिन से ट्रेड करके जल्द से जल्द अपने कुछ एंडरपल वगैरह भी क्रिएट कर लूँ, क्योंकि भाई हमको
एंटरपल से चाहिए भाई, मुझे पता है भाई मेरे लक भाई बहुत सारा गंदा चलता है ट्रेडिंग में। चलो भाई बहुत सारे ले लिए मैंने भाई, पर मैं गोल्ड क्यों ले रहा हूँ, मेरे पास तो पूरा गोल्ड फार्म पड़ा है भाई, जाने दे रहे अभी उसको। चलो अभी हम जाते हैं, अभी हमको और सारे मॉब मर गए भाई, क्या कहता हूँ भाई, एक भी मॉब नहीं बचा अभी, सिर्फ चिकन बचे भाई, चिकन ये तो मर जाना चाहिए भाई, क्यों बचे भाई ये। और देखो भाई कुछ कुछ मॉब्स के तो भाई खाना वगैरह सब कुछ नीचे पड़ा है। चलो ये सब उठा दिया अभी यहाँ से, और एक मिनट भाई स्पाइडर भी बची थी, मर गई भाई, खुद ही मर गई भाई मुझे मार के वो भाई, तब अच्छा है। चलो और नीचे भी कुछ एरो वगैरह है, चलो इस चिकन को एक बार मारते हैं भाई हम, क्योंकि भाई ये नेदर में भाई ऐसे मॉब नहीं आने चाहिए, इनको से गेम लैग भी होता है कभी कभी, क्या होगा कि हम मर जाएंगे भाई, सब कुछ चला जाएगा। और अभी यहाँ पर हम कोर्स भी है, पर अगर इसको तोड़ूगा तो भाई मैं नीचे गिर जाऊँगा डायरेक्ट। एक काम करता हूँ मैं, मेरे जो सारा सामान जो है स्टफ जो कचरा पड़ा है मेरे इन्वेंटरी में उसको फेंकता हूँ। ये रेस्टोरेंट कहाँ से है भाई रेस्टोरेंट? ओ भाई गास टिप, क्या भाई साहब, भाई छुप जाओ भाई इनके पीछे भाई, डायरेक्टली मुंह पे मारा भाई उन्होंने फेंक के भाई। चलो भाई जल्दी जाते हैं, अभी हमको भी कुछ मतलब फॉरडर्स वगैरह फाइंड भी करना है। और गाइज मुझे एक बारे में पता है जिसमें का एंटरमैन वगैरह होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पर जाके मिलता हूँ। तो ओके गाइज अभी मैंने थोड़े गेम साउंड को कम कर रखा है, और अगर एंटरमैन मतलब भाई मेरे पीछे लग गए थे 3 दिन एंटरमैन, तो उनको मैंने मार दिया, और भाई मुझे 2 एंटरपल्स मिल गई, और भाई पता नहीं कौन से ब्लॉक मिल गई यार। अगर आपको इनका नाम पता है ना भाई तो प्लीज़ बताना, अभी मेरे कुछ इनकी मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं मेरे लिए, मैं उनको कभी भी ले सकता हूँ नज़र में आके। और ये मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास है भाई, मतलब ज़्यादा भी दूर नहीं था, पास में था। और यहाँ पर ये जो ब्लॉक से मतलब इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, इनको वाइन्स बोलेंगे आज की इस वीडियो में भाई, मुझे इनका नाम भी पता नहीं। अगर आपको वो ब्लॉक का नाम और ये इनका नाम जो पता है जिनसे हम MLG कर पाते हैं नेदर में, तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना भाई, मुझे पता नहीं उनका नाम क्या था। अगर आप पता है आपका नाम तो भाई प्लीज़ बताना। और अभी इनसे MLG हो सकती है, पर याद से नहीं करूँगा मैं MLG। चलो यार अभी जाते जल्दी जल्दी, हमको जाना है, ये कितना ज़्यादा बड़ा है भाई, इनको इसको तोड़ के हमको मिल सकता है, फॉर्चून से तोड़ दें। वो भाई बच गए भाई, नीचे अगर टूटता ना डायरेक्टली ख़त्म थे, ज़्यादा डैमेज नहीं करता हमको। चलो भाई देख लो भाई मेरा जो वाटर है ना, देखो भाई मैं हर बार मुझे याद होता है कि हमको वाटर जो है ना वो इन्वेंटरी में जो मेन वाली जो लाइन है उसमें नहीं रखना है, ऊपर रख दो इन्वेंटरी में भाई। ये क्या है देख लो यार, हॉट बार में नहीं रखना तो भाई मैं उधर रखूँगा। और यहाँ से कुछ ब्लॉक लेते भी, थोड़ा गेम लैग भी कर रहा है। चलो भी कुछ कुछ ना उससे तो चलो ले लिया, और हमारे पास हो चुका है थोड़ा बहुत। और हम इनको करते भी इंगट में कन्वर्ट गोल्ड इंगट, भाई अभी कैसे दिन आ गए हमको भाई, गोल्ड फार्म होके हमको गोल्ड इंगट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है भाई नेदर में के। चलो अभी इसको तोड़ दे, और एक मिनट मेरे मुँह का एंडर मैन है। ओ भाई भाई एक तो खुद मेरे मुँह के सामने आ गया, मैं सोच ही रहा था भाई कि एक को देखे उसको मारूँ, अरे खुद ही आ गया। और ये देखो भाई घूम भाई, ये कैसे घूम रहा है। चल यार अभी चलते हैं। और गाइस अभी मैं यहाँ पर थोड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, जिसमें कि प्लेटफॉर्म ने कुछ रास्ता बनाता हूँ जहाँ से मैं एंटर में इसको मार सकूँ। तो चलो अभी हम बनाते हैं, पहले से आकर गोल्डन का टूटा दे, और तुमसे रास्ता यहीं पर बनाते हैं हम, कुछ ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ही रखेंगे पास में, मैंने कुछ ज़्यादा दूर बना दिया भाई। चलो हो गया, और भाई सच में जाए बहुत ज़्यादा दूर है। और चलो अभी इनको देखते हुए एक एक वॉक में, चलो भाई 3 आ गए भाई, पता नहीं यार मैं हमेशा भाई मेरे मुझे भाई 3 एंटरमैन का आँखों में देखना भाई, पता नहीं क्या चढ़ गया, जैसे मैं या इस बारे में भाई 3 एंटरमैन मेरे पीछे लग गए, अभी भी 3 को ही देखा मैंने, पता नहीं भाई कोई इंसिडेंस आई थिंक से। इसको मारते भाई, मैं यहाँ से भाई बहुत सारे एंटरपल्स रहता हूँ, और आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो फाइनली गाइस अभी अपने सारे एंटरपल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 16 एंटरपल्स है, 18 हो चुके हैं भाई, 2 एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। अच्छा है अभी, अच्छा है भाई एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई, फ्री का माल भाई अच्छा होता है। चलो यार अभी थोड़ी अच्छे से इन्वेंटरी को अरेंज कर लेते हैं। चलो भाई फाइनली अपनी इन्वेंटरी अच्छे से अरेंज तो हो चुकी है, और चलते हुए हमको जल्दी जाना भी है भाई अभी। और अभी मतलब ट्राई करें कि हमको और ज़्यादा मतलब एंटरप्राइज मिले, क्योंकि हमको भी
आगे आने वाले दिनों में हमको फार्म भी चाहिए होगा, जो कि जिसके लिए हमको एंटरप्राइज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जिसका सामान वगैरह लाने के लिए। भाई हम कलेक्शन रखेंगे अपने पास एंटरप्राइज का, बहुत ज़्यादा एंटरप्राइज होनी चाहिए। कभी कभी अब मेरे मतलब अभी मेरे दोस्त भी आने वाले हैं कुछ ही दिनों में भाई, तो तब भाई हमको ज़रूरत तो पड़ेगी भाई एंटरप्राइज की, क्योंकि भाई हमको भी तब तो भाई बहुत ज़्यादा फाइट होगी। और ओ भाई अभी मैं नीचे गिर गया था भाई लावा में, ओ भाई थोड़ा भाई इतना भाई मैं सिर्फ बातें करने में रह गया भाई, मैं तो अभी नीचे चले जाता, सदमे में चला गया भाई मैं तो, भाई खत्म भाई। अगर नीचे गिरता ना भाई तो भाई ऊपर आने का रास्ता ही नहीं था कोई भी, सिर्फ इन्वेंट्री ओपन करके भाई एंटरप्राइज फेंकने तक का टाइम मिल जाता ना भाई, वो उतना अच्छा होता। पर भाई देखो भाई अभी उस साइड से भी रास्ता है, उस तरफ जाएगा। ओ एक मिनट भाई, ये नीचे क्या है भाई, एक मिनट भाई, वो कुछ अलग ही दिख रहा है। मैंने आज तक भाई आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा इसको, क्या है भाई ये। ओ भाई चलो रहने दो भाई उसको, भाई मुझे डर लग रहा है भाई, आज चलते जल्दी अभी आगे जाते अभी आगे देखो। ओ प्लेटफॉर्म है भाई, मैंने आगे देखा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। तो चलो अभी हमको जल्दी जाना है और हमको एक फोर्ट्रेस भी फाइंड करना है यार। चलो यार अभी चलते हैं, अभी ज़्यादा मजाक मस्ती छोड़ते साइड में, अभी चलते हमको जल्दी जाना है, फोटोज फाइन करना है भाई अभी जल्दी। और चलो इसको बताते हैं, चलो भाई अभी एक मिनट। ओ भाई भाई साहब भाई हमको भाई, मैं अभी मैं आपको भी कह रहा था कि फोटोज़ का फाइन करते हैं अभी, तो भाई भाई डायरेक्टली फोटोज़ मिल गया। और भाई वो भाई अब वो तो छोड़ो भाई, अब मैं ज़्यादा घूमने भी नहीं वाला इसमें। तो भाई देखो भाई मेरा घर उस तरफ है और फोटोज़ इस तरफ भाई। और देखो भाई ये रूम भी कौन सा मिला, देखो आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट अभी। ये भाई स्पॉन वाला जहाँ पर ब्लेस स्पॉन होती है, अभी स्पॉन भी हो गए भाई। ओपी भाई अभी इससे ज़्यादा अच्छा मतलब लग तो भाई अभी मैंने किसी का नहीं देखा। और एक मिनट भाई, ओ भाई बच गया भाई। मतलब जब मैं मतलब पहले खेलता था तो तब क्या होता था कि मैं आयरन आर्मर रखता था यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा डैमेज लगता था, मुझे लगा मैं मर गया। पर मेरे पास डायमंड आर्मर और प्रोटेक्शन 4 है, उस वजह से मैं जल्दी नहीं मर पा मर रहा हूँ। और अभी यहाँ पर ब्लॉक लगाते हैं, चलो भाई। और आ रहा है भाई, वो हाफ हाफ आर का डैमेज कर रहे हैं सिर्फ यार, ये तो क्या ही मतलब चिंदी सा डैमेज है भाई। चलो भाई इनको भी जल्दी मारते भी। ओ भाई क्रीट क्रीट बजा दे भाई इनको भी। छः अभी मेरे पास ब्लेज रॉड हो चुके हैं, उसके भी तो होते भी और स्पॉन हो गया 300। चलो किधर है भाई, ओ भाई वो तो उसके पीछे है। चलते यहाँ से अभी ऊपर, और एक काम करते भाई मैं इसको पहले बंद कर देता भाई, क्योंकि देखो अब मुझे स्केल्टन दिख रहा है, अगर वो आए ना भाई तो वो परेशान बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अभी भाई आग लग चुकी है हमको दो, और ओ यहाँ पर भी दो है, इसको पहले ख़त्म करते भाई जिससे मतलब पहले की यार कोई मारे तो बच गए। चलो भाई इन्होंने आग नहीं मारी फेंक के, नहीं तो भाई परेशान कर रहे थे यार पूरा। चलो अभी अब इसको मैं एक बार ब्लॉक करता हूँ जिससे कि स्पॉन ना हो। चलो भाई कर दे ब्लॉक उसको, एक मिनट भाई ये स्पॉन कैसे हो गए। अरे भाई मैंने तो इसको ब्लॉक किया था भाई, भाई ब्लॉक लगाने के बाद तो पूरा अंधेरा हो जाता होगा ना उसके अंदर, तो स्पॉन कैसे हो गए। चलो यार जाने दो अभी, चलते हमको जाना है अभी। ओ पीछे भी स्पॉन हो गया, चलो भाई मार दे इसको। और भाई इसी के साथ अपने 18 ब्लेज रॉड कलेक्ट हो चुके भाई, 18 ब्लेज रॉड्स। मतलब भाई अभी ये तो हमको भी ज़्यादा मतलब इसकी इतनी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, ये जो ब्लॉक थे कोई यहाँ पर फाइव कर रहे थे। और चलो कुछ खा रहे थे अभी, हमको जाना भी है भाई जल्दी, अभी दौड़ना है भाई अभी जल्दी अपने। मैं तो अभी डायरेक्ट आपको पोर्टल के पास में मिलता हूँ, क्योंकि भाई अब ये वाला प्रोसेस को क्या है देखो भाई, ये तो भाई आपको कोऑर्डिनेट देखा को पता लगे क्या होगा, मतलब पता लग जाएगा भाई कि कितने पास है। तो इनको भी मैं जाता हूँ अपने पोर्टल के पास। तो चलो भाई फाइनली बचते बचते मैं आ चुका हूँ यहाँ तक। और भाई देखो भाई मेरे पोर्टल के, देखो भाई पोर्टल कितने ज़्यादा पास थे भाई। और भाई अभी नीचे तो भाई बहुत ज़्यादा फाइट हुई, जहाँ से मैंने एंटरप्राइज मारा था वहाँ से बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी, कुछ गास्ट वगैरह भी आ गया तो बच गए भैया। का भाई भाई प्रो बन चुका अभी, थोड़ा 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 प्रो बन चुका, थोड़ा थोड़ा बिना है भाई। चलो भाई और अभी अपने पास सामान अच्छे से आ चुका है जो हमको चाहिए वो, और या फिर अपने पोर्टल जो अभी रहने थे इसको। और मैंने अभी तक तो पूरा कंप्लीट नहीं किया है भाई, पर बिना कंप्लीट किए कितने अच्छे दिख रहे बॉटल तो। चलो और मेरे पास भाई 3 एंटरपल पहले से थे भाई देखो, और अपने पास अभी 64 और +4 हो चुके, मतलब 20 एंटरपल्स हो चुके अपने पास अभी।
और अभी हम देखो यहाँ पर अपने पास 18 और 20 16 अच्छा है अभी, और मेरे पास कुछ सामान भी है इसको भी रखते हैं अभी यहाँ पर। और पता नहीं भाई रेस्टोरेंट कहाँ से आया मेरे पास, मुझे तो वहाँ पर कोई विच वगैरह भी दिखी नहीं थी। थिंक सो विच होगी वहाँ पर मुझे दिखी नहीं। और इसको कहा मेरे को इसका नाम के वो भी भूल चुका यार मैं, इसमें रखू है ऊपर वाले में नहीं यार, इसे में रखते अभी। चलो भाई इसको रख दिया, और अभी वाटर पकड़ लेते हैं नीचे, और चलो बीच में पानी भर के लाते हैं भाई। भाई अपना पानी जो जहाँ पर गया ना भाई, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार भाई, MLG भी नहीं हो पाया और वैसे भी चला गया अभी। और अभी हमको यहाँ पर देखो ब्लेज रॉड लेते हैं, सारे एंटरप्रेस वगैरह भी लेते हैं, और चलो यहाँ पर भी कुछ ब्लेज पाउडर बनाते भी हम। आई थिंक सो 16 इनफ होगा ना, हाँ चलो 16 इनफ है, इसी हिसाब से मेरा काम चल जाएगा। चलो अभी इसको रखते भी यहाँ पर ऊपर, ब्लेज रॉड को ऊपर रखते हैं, और एंटरप्रेस नहीं, कुछ एंटरप्रेस लेके साथ चलते। और 1 घंटे अभी, 4 एंटरप्रेस आपने पास है, अगर कोई ब्लेज रॉड अगर आया एंटर कर टूट गया तो। चलो भाई यार इसको भी लेके चलते यार, इसमें से 3 लेके चलते। चलो यहाँ पर 7 बचे रहे भी, अच्छा है। चलो अब हमको जल्दी जाना भी है, और हम अभी कहाँ पर जाए। चलो मेरी पिकेक्स उसकी हेल्थ भी कम है, तो आता हो भाई अब मैं अपने गोल्ड फार्म पे चलते भी, गोल्ड फार्म से हम मतलब एंटी के लिए निकलेंगे। चलो यार अभी हमको भी अपने पिकेक्स को रिपेयर भी करना है ना। और भाई अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना भाई। अगर आपको मतलब सब्सक्राइब अगर नहीं करना तो भाई मत करो सब्सक्राइब, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि भाई अब यार वीडियो की रीच जो है ज़्यादा बंदे तक तो नहीं जा रहे, मतलब बहुत सारे बंदे देख भी नहीं रहे वीडियो को। प्लीज़ यार वीडियो को देखा करो यार, हर एक वीडियो को देखो और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। चलो अभी चलते हैं, हमको जल्दी जाना भी, और प्लीज़ गाइज एंटर देखना विदाउट स्किप किए, क्योंकि भाई इसमें कुछ कुछ पार्ट ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक हादसे हुए थे मेरे साथ, प्लीज़ वो भी देखना। और भाई चलो आ चुका हम इसके साथ अपने फार्म के ओर, और भाई अभी हमको फार्म को ऑन भी करना पड़ेगा ना भाई, अगर हमने ऐसे नीचे चले तो फार्म कैसे वर्क करेगा। चलो अभी ओ 1 मिनट 1 मिनट, ये वाटर ऐसा हो रहा है। तो गाइज भाई इस वीडियो में भाई हमें लास्ट तक प्लीज़ देखना, क्योंकि हमने इसमें इतनी ज़्यादा डेंजर डेंजर MLG की है भाई, क्योंकि आई थिंक सो मैंने पहले कभी नहीं की। तो प्लीज़ यार उसको प्लीज़ एंटर जरूर देखना, वो वीडियो में कहीं पर भी हो सकता है, तो प्लीज़ यार देखना यार फुल वीडियो को वॉच करना। और चलो अभी यहाँ पर तो फार्म आई थिंक सो वर्क नहीं कर रहा यार। चलो भाई अभी वर्क तो करेगा अभी, मतलब दोनों जो है डिस्पेंसर जो साथ में चल रहा है, नहीं चलो वर्क हो रहा है भाई, वर्क कर रहा है भाई, लास्ट में पोर्टल लाइट हुई और बंद हुई। चलो भाई बहुत सारे आ गए भाई, एक एक ब्लॉक से मतलब स्पॉन होते भाई, हर एक मतलब हर एक ब्लॉक से स्पॉन होते, अच्छा है। चलो मैंने उसको बंद कर दिया अभी, नहीं तो उसको बंद करने में थोड़ा सा भाई मगजमारी होती है। और अभी उनको अपनी पिक्स को रिपेयर करना है ना, तो चलो भाई ये क्या हो रहा है, रिपेयर क्यों नहीं जाने दो भाई अभी, आई थिंक तो ज़्यादा एचपी लगी हुई उसको। चलो भाई और मारती इनको अभी भी नहीं, 1 मिनट। अरे भाई मैंने अपनी पिक्स में मेंडिंग लगाई नहीं भाई, भाई आप जितने लेट हो गधा बोल सकते हो ना मुझको, भाई बोलो यार कमेंट में गधा लिख दो यार एक बार भाई मुझे क्या भाई। मैंने भाई मैंने मतलब मैंने पिकेस को मतलब इंचांट वगैरह सब कुछ कर लिया, पर मेंडिंग मेंडिंग जो है वो लगाई नहीं भाई मैंने पिकेस में। तो चलो अभी जो पिकलिन बच्चे उनको मार के आता हूँ मैं, और फाइनली भाई मैं बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रेक के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और अपने ब्रेक्स में लगा ली मेरी मेंडिंग भाई, विलेजर से ट्रेड भी करना पड़ा मुझे भाई, मेरे पास एमरल्ड्स की तो थोड़ी बहुत कम है अभी, हम उसको फिक्स कर देंगे। तो चलो अभी यहाँ पर बहुत सारे आ गए अभी इनको, मैंने फार्म को फिर से एक बार ऑन भी कर दिया है, मतलब ऊपर आने मतलब नीचे आने के बाद पहले ही, और अभी रिपेयर भी हो रही है भाई पिकेक्स। चलो गाइस मैं आपको अभी पूरी पिकेक्स को मतलब रिपेयर करने के बाद ही मिलता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा भी टाइम पास नहीं करते, डायरेक्टली पिकेक्स को पहले रिपेयर करने के बाद मिलता हूँ। फाइनली गाइस अभी अपनी जो पिकेक्स है उसको मैंने रिपेयर तो कर दिया, पूरा फुल रिपेयर कर दिया उसको, और उसमें सारी इंचमेंट मैक्स लगी अभी, और अपनी एक्स में जो है उसमें मेंडिंग नहीं लगी अभी, उसमें भी लगा दूंगा मैं ऑफलाइन वेल से ट्रेड वगैरह करके, एमरल्ड वगैरह की कलेक्शन जो है उसको मतलब एमरल्ड वगैरह के ब्लॉक्स अभी उसको बेकन भी बनाएंगे एमरल्ड का, उसको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। चलो अभी यहाँ पर अभी थ्रो करते हैं आई एफ एंडर को, किधर गई भाई, ओ पीछे की साइड गई। चलो इनको पीछे भी जाना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर होगा, तुम सो स्पॉन से 1 या 2 हज़ार ब्लॉक दूर होता है वो। चलो अभी यार हम
चलेंगे उतनी दूर तक। और गाइस और एक बात, यहाँ ये जो जो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली रिकॉर्डिंग जो है वो करप्ट हो चुकी है वीडियो में से, तो और मतलब दो तीन रिकॉर्डिंग और करप्ट हो चुकी है, तो वो सॉरी गाइस उसके लिए पता नहीं क्यों यार, तो सो अभी चेंज करना पड़ेगा रिकॉर्डर। तो चलो, और एक बात गाइस, अभी हम चलते हैं डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड में, मैं आपको उधर ही मिलता हूँ डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड में। तो फाइनली भी मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में हूँ और मैंने पोर्टल बनाया है पोर्टल, और यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड भाई। इस पोर्टल में भाई हमको बहुत सारा पता नहीं यार पॉकेट एडिट में चेकलिस्ट होता है, मैं इसके अंदर गया पर मैं डायरेक्टली मतलब हमारी नज़र में आया, मेरी जो ओल्ड पोर्टल थी जो पुरानी पोर्टल मैं वहाँ पर आया, और उसके बाद मैं फिर से मतलब घर पर जाकर मैंने एक बार पोर्टल में फिर एंटर किया, तो भाई मैं उसी जगह पर आई, मतलब मैं ये पोर्टल से बाहर निकला ही नहीं यार, पता नहीं क्यों। आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ पूरा, मतलब आपको मैं एंड में बता दूँ कि मतलब कैसा हुआ था। तो चलो भी, और मैं आप इन्वेंटरी देख लो, मुझे वो जो मुझे लाइब्रेरी में नहीं गया, मतलब कुछ तो मिला था टेम्पलेट टाइप, आई थिंक सो आर्मर का लगाना होता है वो 1.20 का कुछ होता होगा, अभी मैं उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे हम आर्मर में लगाएंगे। तो चलो चलते हुए नेदर में, और यहाँ पर से मैंने लगा रहा था पोर्टल बना लेते हैं, मतलब अभी और कुछ मतलब बताने का रहा नहीं, एक सौ हम स्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं। वो भाई अभी मैं नेदर में चल जाता, मतलब एंड में चल जाता भाई, डायरेक्टली रात ही हो गई भाई, चलो सो जाते भी। और चलो भाई उड़ गया हम, अभी स्पॉन पॉइंट भी सेट कर लिया, 300 सोने के बाद स्पॉन पॉइंट सेट हो जाते हैं भाई, क्या यार चलो जाने दो। चलो भैया चलते डायरेक्टली अंदर, और भाई साहब चलो आ गए अभी, और चलो भी माइंड करते हैं इसी साइड से। और भाई साहब ये चलो यार मुझे थोड़ा डर लग रहा है, नर्वस हो चुका अभी मैं, क्योंकि भाई ये अपने सर्वाइवल सीरीज का भाई मतलब फर्स्ट टाइम भाई मैं एंड में आया हूँ, और भाई अभी देखो एंडर ड्रैगन भी देखो आ चुका है अभी, चलो इसको फोड़ते हैं, वो नहीं फोड़ा भाई, फूट गया भाई, चलो फूट गया, और इसको फोड़ देते भी, ये नहीं फूटा भाई अभी तक भी। ओ भाई साहब चलो फोड़ दिया भाई, कुछ भी कहो भाई, आपके भाई का निशाना तो भाई पूरा करेक्ट है भाई, इसको मारते हैं, नहीं सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, करेक्ट नहीं है। और अभी आपको यहाँ से ऊपर जाना है, उससे पहले कैरेट खा लेता हूँ भाई, कभी अगर ड्रैगन ने फेंक दिया ना दूर तो भाई हेल्थ जल्दी रिजन नहीं होगा भाई। चलो यार चलते भी, हमको जल्दी जाना है ऊपर। और लो भाई ब्लॉक खत्म हो गए, ये क्या कर रहा भाई, मैं भाई ब्लॉक खत्म हो गया भाई, मैं स्लॉट चेंज करने की जगह भाई जंप मार रहा भाई, सही पागल के तरह। चलो यार चलता हूँ मैं एक बार डायरेक्टली ऊपर, और फाइनली यहाँ पर आ चुके हम, इसको फोड़ते भी फट गया, चलो भाई अच्छा हुआ फट गया भाई, और मुझे एक आर का डैमेज भी गिरा, और इसको दूर से फोड़ते हैं। ओ चलो भाई ये फर्स्ट टायर में चला गया, और ये तो नहीं फट सकता, चलो भाई वो आगे है दिख नहीं रहा है, पर फिर आई थिंक सो फट जाएगा, ओ फट गया भाई वो दिख नहीं रहा है अभी। चलो और एक बात, यहाँ पर एक और एक है, इसको फोड़ते एक बार, नहीं ये भी नहीं फटा, मेरे पास ना लिमिटेड एरो है, पर लिमिटेड नहीं यहाँ पर तो इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे एक एक दो स्ट्राइक से ज़्यादा एरो है मेरे पास, एक स्ट्राइक से ज़्यादा एरो है। चलते भी यहाँ से नीचे, मैं एक ब्लॉक की ट्रिक लगा के चलता हूँ नीचे भाई, मैं प्रैक्टिस करता रहता भाई ब्लॉक की प्रैक्टिस के भाई ऐसे। चलो भाई इसको दौड़ते, और फाइनली नीचे आ चुके, और चलो अब हमको इसके ऊपर भी जाना है यार, एंटर पर लगे जाते डायरेक्टली, क्योंकि भाई अभी बस अभी एंटरपल की कमी नहीं होने वाली, अगर एंटरपल चाहिए तो भाई यहाँ पर फार्म बना देंगे डायरेक्टली। चलो यार और अभी देखो यहाँ पर तो है अपना एंड क्रिस्टल, इसको फोड़ कैसे, तो कैसे अभी मैं इसको डायरेक्टली मिलता हूँ सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद, क्योंकि भाई अभी क्रिस्टल को फोड़ने में टाइम लगने वाला है भाई, और ख़ास करके इसको टाइम लगता है मतलब लगता है बहुत ज़्यादा, ये मुझे एक बार नीचे भी गिरता है तो मैं यहाँ से आपको मैं मतलब वो क्लिप दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। चलो भाई भाई बोलते ही भाई डायरेक्टली नीचे फेंक दिया, और हमने क्लच भी कर लिया, और गाइस अभी हमको मतलब सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद, चलो और चलो भाई अभी मैंने सारे क्रिस्टल तो फोड़ दिए आई थिंक सो, सारे फोड़ गए ना, चलो भाई इसको मारते हो एक बार यार। ओ भाई बच गया भाई, ओ भाई ये मतलब ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पर जी गया मर भी सकता हूँ भाई, पता नहीं मेरी मतलब मेरी फेदर फॉलिंग फोर मुझे बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी। चलो भाई मैंने एंडर पे रखे नीचे आते हो, और भाई इसको मारते हो भाई सही क्रिट बजा, तो भाई मर जाए भाई अभी तो, बच गया यार फाइनली भाई, फिर से आ चुका है अभी हम इसको मारते हो, इसकी हेल्थ तक तो थोड़ी सी बढ़ी थी पता नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे,
फिर से भाग गया भाई यार, मर जाए यार एक बार, क्या हो रहा है पता नहीं यार इसको। चलो गाइस, वो भाई डायरेक्टली नीचे आ गया भाई, इसको मतलब वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। तो भाई इसको और मारते, और भाई इस वाले में पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए भाई, ये तो उड़ गया भाई। यार क्या यार ऐसा क्यों होता है यार भाई, मैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस हूँ भाई। भाई यार ओ फेंक देते हैं भाई, ये जो है ना भाई ये को अंदर खींच लेता भाई डायरेक्टली, पता नहीं कैसे। चलो यार भाई ये बंदा कब आएगा ना चाहिए यार, आ जाए नीचे भाई। अब इसका लास्ट मतलब है चढ़ रहा है अभी इसका लास्ट टाइम। बहुत सारे एंडरमैन भी इसके ऊपर, बहुत सारे मतलब एंडरमैन गुस्सा है इसके ऊपर। चलो आ गया फिर से और अभी इसको मारते हैं और इसको रोटी पूरा खत्म करते हैं। चलो भाई एक ओ मर गया फाइनली भाई। चलो यार और भाई मर गया यार फर्स्ट टाइम भाई, सरॉल सीरीज में हमने इसको मारा है 300 फर्स्ट टाइम। अगर कोई याद आ रहा है मैंने पहले भी मारा है तो भाई प्लीज़ कमेंट करना। और चलो भाई यहाँ से सारे एक्सपी लेते हैं और अपने सारे टूल्स में लगाते हैं भी एक्सपी, मतलब रिपेयर कर लेते हैं यार हमको अभी। वो 49 एक्सपी हो चुकी है भाई, कितने एक्सपी मिल गए मुझे 51। इनमें भी लगाते हैं एक बार। चलो यार 51 एक्सपी हो चुकी है अपने तो अभी, 64 67। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्सपी मिल रही है यार, 68 भाई। यार अब तो भाई मैं एक्सपी लेने के लिए एंड में आऊँगा भाई डायरेक्टली, कुछ एंडर मतलब एंड क्रिस्टल वगैरह बना के। ओ 16 है भाई साहब, अब इसमें मेंटेन नहीं लगे, मैं इनको क्या रिपेयर कर रहा हूँ भाई। यार भाई मैं भी बड़ा पागल हो चुका भाई, 70 एक्सपी हो चुके। अब भाई इसके बाद अपना जो एंड है वो अपना एक्सपी फॉर्म लगा दे तो। चलो यार और ओ और बची भाई एक्सपी, इसको बढ़ा दे भी। और मुझे लगा मतलब एक दो लेवल और बढ़ जाएगा भाई, पर नहीं बढ़ा। चलो यार और गाइस, और एक बात गाइस, अभी यहाँ पर ड्रैगन एक भी है तो हम इसको निकालेंगे अभी यहाँ से। चलो इसको क्लिक करते, आ गया भाई। किधर गया, कहाँ पर गया भाई, वो तो मेरे बगल में ही बैठा था भाई। चलो इसको तोड़ दिया अभी यहाँ से। ये भाई इसकी एक अलग बात है, ये पिकिक से क्यों नहीं टूटा यार। और यहाँ से कुछ ब्लॉक लेते हैं अभी, ऐसे मिल गए क्या टॉर्च, नहीं यार नहीं भाई चल गए अंदर हो, ऐसे ब्लॉक ही उठाते डायरेक्टली। चलो भाई ओ एक्स्ट्रा का 7 है यार वैसे सिर्फ अपने पास अभी, ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट हमें 15 एरो इन्हें वैसे करते क्रिस्टल वगैरह पड़ने हैं। चलो वो मिल गई टॉर्च भाई, मुझे लगा फिर से लेगा नीचे। चलो यहाँ पर भी टॉर्च लगाते इसको तोड़ते, और भाई मिल गए भाई इसको भी तोड़ते टॉर्च को यार यहाँ से। चलो ड्रैगन तो मिल चुका हमको अभी, माइनक्राफ्ट की सबसे रेयरेस्ट चीज़ों में से एक भाई, सबसे रेयरेस्ट चीज़ नहीं है, रेयरेस्ट चीज़ों में से एक, पता नहीं भाई रेयरेस्ट मुझे थोड़ा सा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते आता। और सारी टॉर्च हटा देते भाई यहाँ से अभी, इनकी क्या जरूरत है यहाँ पर, एंड तो भी सुना सुना है भाई यहाँ पर तो किसी की बात नहीं। और अभी एक एंडरमैन मेरे ऊपर गुस्सा हो गया था और वो चला गया भाई अभी ओवर वर्ल्ड में चले गए। और भाई ड्रैगन को प्लेस कर देगा कहीं पर है, और भाई साहब चलो भाई फाइनली भाई बहुत सारे खुशी हो भी मैं भाई, अभी ड्रैगन तो मर चुका है ये तो अच्छी बात है अभी। और मैं भी मेरे फ्रेंड को भी लाने वाला हूँ, ट्राई करूँ कि कर ही लाऊँ उसको। चलो भाई अपना जो जर्नी थी इस वर्ल्ड की ख़त्म हो चुकी है, नहीं यार गाइस सॉरी इतनी जल्दी नहीं खत्म हो गया अभी तक। और एक मिनट ये क्या हो गया, ओ भाई क्रैश हो गया क्या कुछ तो, नहीं नहीं वो ग्लिच था। चलो अभी फाइनली गाइस अपना अभी सब कुछ हो चुका है, और अभी हम इस इतनी जल्दी वर्ल्ड को अभी क्रिएट नहीं करने वाले, इस वर्ल्ड को हम पूरा मतलब इस वर्ल्ड को हम पूरी लाइफ टाइम तक खेलने का ट्राई करेंगे यार, क्योंकि भाई अभी ये वर्ल्ड अपने भी मतलब यादों में रहेगा अभी तो, क्योंकि भाई इस वर्ल्ड से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अलग अलग फॉर्म्स बनाए। चलते भी यहाँ से भी हमको जाना है अपने ओवर वर्ल्ड में, और मैं तो उसको बेड नहीं दौड़ा जानू गया अभी बेड को क्या करेंगे बेड को भी उसको। चलो गाइस अब मैं आपको बता दूँ कि नेदर पोर्टल का सीन क्या होता, तो देखो भाई देखो भी मैं उस मतलब इस नेदर पोर्टल से अंदर आया तो भाई उस जगह पर आए जो कि मतलब मेरी घर के पास वाले पोर्टल ले आते हैं भाई वहाँ पर। और अभी देखो मैं फिर से इसके अंदर जाऊँगा तो देखो मैं कहाँ पर आऊँगा, तो घर के पास ये जो अपने सॉर्ड पोर्टल है ना, सॉर्ड नेदर पोर्टल भाई इसके अंदर से आ गया भाई, पता नहीं यार क्या हो गया। तो आपको अगर कुछ पता है इसके बारे में तो भाई प्लीज़ कमेंट करना यार, प्लीज़ मुझे बताना भाई ये कैसा होता है, क्योंकि भाई मैं तो उससे परेशान हो जाऊँगा अभी तो, क्योंकि
मेरा एंड में आने जाने तो मतलब चलता रहेगा अभी तो, क्योंकि मुझे एक फॉर्म बनाना है अभी रेंट के अंदर, एंटर मतलब इंटरपल फॉर्म। भाई अभी तो यार ऐसा नहीं चाहिए मुझे, तो ये फोन मार रहा है मुझे भाई। यार स्केलेटन पीछे लग गए थे, चलो मार दे इनको भी। यार भाई ऐसा, भाई ऐसे नहीं होना चाहिए यार। पता नहीं यार जावा इसमें क्यों नहीं होता ऐसा, होता है मुझे पता है, होता है थोड़ा थोड़ा होता है ऐसे, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोज़ में। चलो अभी एक ग्लास को प्रेस कर दे यहाँ पर, नहीं इसको ऐसा हटा दे भाई, कॉर्नर प्लेस कर दे। चलो यहाँ पर अपना ड्रैगन एग रखेंगे हम, फर्स्ट ड्रैगन एग रखते हैं, लास्ट डायमंड को रखते हैं भाई। कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही होगी डायमंड की भी। चले यार कुछ नहीं बेइज्जती वगैरह कुछ नहीं होगा उसके, डायमंड की, डायमंड तो डायमंड है भाई। अब तो और ज़्यादा रेयर हो जाएगा, मैंने थोड़ी रिसर्च भी की थी आर्मर ट्रीम्स को, आई थिंक सो उनको आर्मर ट्रीम बोलते हैं ना, जिनको लगाने से अभी अपना आर्मर जो है वो खतरनाक हो जाएगा, दिखने में लगेगा भाई खतरनाक, उसकी पावर कुछ बड़ी ही नहीं। और गाइस अभी हम रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो चुका है। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो गाइस अभी हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय। चले एक काम कर, 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह।